नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोविड 19 का कहर जारी और अब तक कुल 3,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और लगभग 49 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। इसी बीच अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कोविड 19 से अब तक कुल 969 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसी बीच एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से विधानसभा की सदस्य शाहीन रजा की कोविड 19 के कारण मौत हो गई। 2 दिन पहले ही शाहीन का कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। कोविड 19 के कारण किसी चुने हुए प्रतिनिधि की पाकिस्तान में ये पहली मौत है। पंजाब विधानसभा की सदस्य शाहीन रजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सदस्य थी। PTI पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ही पार्टी है, जिसकी अभी पाकिस्तान में सरकार। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शाहीन रजा ने बीते दिनों एक अस्पताल का दौरा किया था। वहां पर ही वो किसी कोविड 19 पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उनकी तबियत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब टेस्ट हुआ तो कोविड 19 पॉजिटिव पाई गई। यहाँ पर एक और जानकारी देते चलें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा के ही डिप्टी स्पीकर भी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। पाकिस्तान में लगातार बढ़ते आंकड़ों के बावजूद यहाँ लॉकडाउन में पूरी तरह से ढील दे दी गई। ईद को देखते हुए बाजार एक बार फिर खुल चुके हैं और लोगों का बाहर निकलना जारी, और इमरान सरकार कोर्ट और मौलानाओं के आगे बेबस नजर आ रही है।